तो मैकबेथ एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में हम देखेंगे कि एक डेजर्ट का प्लेस होता है, काफ़ी तेज बारिश होती है और बिजली की चमक और तेज बादलों की गर्जराहट के साथ में पर्दा खुलता है और तभी तीन चुड़ैले एंटर्स करती हैं। तीन विचेस चुड़ैले, आप कुछ भी बोल लो, जिसमें से तीनों हमको आपस में बात करती हुई दिखाई देती हैं और तीनों आगे की प्लानिंग ये करती हुई दिखाई पड़ती हैं कि हमको आगे फिर कब मिलना चाहिए। जिसमें से जो फर्स्ट विच है वो बोलती है, व्हेन शैल वी सी मीट अगेन, हम तीनों को आगे फिर कब मिलना चाहिए, क्या वो बिजली की तेज चमक होगी या फिर बादलों की गर्जराहट होगी या फिर काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश होगी, हम तीनों आगे फिर कब मिलेंगे, इस तरीके से बोलती हुई दिखाई पड़ती है। तभी जो सेकंड विच है वो हमको ये बोलती हुई दिखाई पड़ती है कि हम तब मिलेंगे जब ये जो पीछे चल रहा लड़ाई का शोर है वो खत्म हो जाएगा और जिसमें से एक पक्ष जीत जाएगा और दूसरा पक्ष हार जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो युद्ध चल रहा है पीछे, ये और कोई युद्ध नहीं है दोस्तों, ये नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में लड़ा जा रहा है, जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी एक और फर्स्ट वीडियो में ही सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है कि सारे जितने भी करेक्टर्स हैं, जो भी बेसिक सी नॉलेज है, पूरे एक तरीके का प्लॉट बोल लो या फिर समरी बोल लो, पूरे चैप्टर की, पूरे प्ले की समरी बोल सकते हैं, तो सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख करके आएं, तभी आपको आगे की सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तभी जो सेकंड विच है तो वो हमको यही बोलती है दिखाई पड़ती है, जब ये जो पीछे चल रहा लड़ाई का शोर है वो खत्म हो जाएगा और एक पक्ष जीत जाएगा और दूसरा पक्ष जो है वो हार जाएगा। तभी यहाँ पर जो थर्ड विच है वो हमको ये बोलती हुई दिखाई पड़ती है कि ये जल्द ही खत्म होगा और ये जो लड़ाई का शोर है ये सूर्यास्त जो होता है ना, मतलब जो सनसेट होता है वो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तभी जो फर्स्ट चुड़ैल है, फर्स्ट विच है, वो तभी फिर से हमको ये बोलती दिखाई पड़ती है कि हमको ये तो बताओ कि कहाँ पर मिलना चाहिए, वेयर्स द प्लेस, हमको कौन से स्थान पर, हमको कहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तभी जो सेकेंड विच है वो हमको ये बताती है कि दोनों से ये बोलती है कि अपॉन दी हर्थ, हर्थ मतलब वही होता है दोस्तों खुले मैदान में, हम लोग इसको खुले मैदान में बोलते हैं, ठीक है। तो हमको खुले मैदान में, एक खुले प्लेस में मिलना चाहिए। तभी जो थर्ड विच होती है वो दोनों को शांत करती हुई दिखाई पड़ती है कि वो दोनों को शांत करती है और बोलती है कि देयर्स टू मीट विथ मैकबेथ, अरे देखो वहाँ पर मैकबेथ आ रहा है, ठीक है। तभी जो फर्स्ट विच होती है, अब ये तीनों चुड़ैले जो होती हैं वो कुछ ना कुछ बहाने करके वहाँ से मैकबेथ को देख करके भाग जाती हैं और जो फर्स्ट विच होती है वो बोलती है, आई एम कमिंग ग्रेमेल्किन। ग्रेमेल्किन और कोई नहीं दोस्तों, ये फर्स्ट विच की एक पालतू जानवर है जो कि बिल्ली है, ठीक है, कैट है। तो फर्स्ट विच जो होती है वो इस तरीके से भाग जाती है कि मेरी बिल्ली मुझे बुला रही है, ग्रेमेल्किन मुझे बुला रही है और मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी जो सेकंड विच है वो ये बोलती है कि मेरा भी पैडक मुझे बुला रहा है। पैडक का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर एक टोड से, ठीक है। जो सेकंड विच का पालतू जानवर है वो क्या है, टोड है, एक मतलब बोले तो मेढक है, ठीक है। और जो सेकंड विच होती है वो बोलती है कि मेरा मेढक मुझे बुला रहा है और मैं भी चलती हूँ। तभी जो थर्ड विच होती है वो बोलती है एडनन, मतलब कि हम तीनों जल्द ही मिलेंगे। तभी यहाँ पर एक फेमस और बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइन हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, फेज फॉल एंड फॉल इज फेयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछी जाती है और कई एक एग्जाम्स में पूछी जाती है और इस चीज़ को लिए काफ़ी मतलब बोले तो जितनी भी यहाँ पर ग्रीन लाइंस मैंने बना करके रखी हुई हैं, ठीक है, जो भी ग्रीन लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से कभी कभार पूछ भी लेता है कि फेयर फॉल एंड फॉल इज फेयर, ये कौन से एक्ट में, कौन से सीन में आपको देखने को लाइन मिलती है मैकबेथ प्ले में, ठीक है। तो तीनों जो होती हैं यहाँ पर फेयर फॉल एंड फॉल इज फेयर इस तरीके से बोलती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर आप जाएंगे तो अलग अलग आपको इसके मीनिंग देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसका एक क्लियर मीनिंग है वो ये है कि हर एक जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे टीचर्स ने बताया उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, फेज फॉल एंड फॉल इज फेयर का मतलब होता है दोस्तों कि हर चीज़ दिखने वाली अच्छी नहीं होती और कई बार जो बुरी चीज़ होती है वो भी हमको कई बार अच्छी दिखने लगती है, तो जो दिखता है वो एक्चुअली में होता नहीं और जो होता है वो एक्चुअली में हमें दिखता नहीं। तो इस पूरे सेंटेंस का यही एक मीनिंग है और इसको आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने तरीके से। तभी यहाँ पर और यहीं पर तीनों विचेस एग्जिट कर लेती हैं और यहाँ पर से ही हमारा जो सीन फर्स्ट होता है वो ख़त्म होता है और सीन सेकंड स्टार्ट होता है। सीन सेकंड जो है वो एक तरीके का प्लेस है जो कि फॉरेस्ट के नियर है, कैंप लगा हुआ है, थोड़ा ठंड का समय है, आग वगैरह जल रही है, ठीक है, और अलार्म बजती है। सीन सेकंड की स्टार्टिंग जब होती है तो अलार्म के साथ में होती है, अलार्म मतलब आप समझ रहे होंगे ना, आप अलार्म का मतलब वो मत समझिएगा जो हम समझ नॉर्मल हम बोलते हैं, अलार्म मतलब कि वो जब पुरानी पिक्चर्स वगैरह आप देखते होंगे तो उसमें जब राजा महाराजा आते हैं तो एक तरीके की ट्रम्पेट्स की आवाज़ होती है हाथी की चिघाड़ने की और सैनिक लोग कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, सावधान राजा आ रहा है, तो इस तरीके से जो है अलार्म बजता है, ट्रम्पेट्स वगैरह की आवाज़ होती है और साथ ही साथ में कुछ जो भी सैनिक लोग होते हैं वो
इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि राजा आने वाले हैं। और तभी राजा डंकन, किंग डंकन के बारे में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इनका करेक्टर स्केच के बारे में जो भी इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सब कुछ हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं जाकर के फर्स्ट वीडियो, आई बटन पर भी लिंक आपको मिल जाएगा या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन पर से भी जाकर के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो तभी राजा डंकन जो है एंट्री करते हैं और उनके साथ में उनका बड़ा बेटा मैलकॉम होता है और साथ ही साथ में छोटा बेटा भी डोनाबेल होता है। तो तीनों लोग, जो राजा डंकन होता है अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे के साथ में एंट्री करता है, उनके साथ में लेनॉक्स भी होता है। लेनॉक्स मतलब क्या, एक तरीके का ये भी स्कॉटिश नोबल मैन है और बहुत सारी अटेंडेंस होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं और आते हैं, एंट्री करते हैं और किससे मिलते हैं, मीटिंग अ ब्लीडिंग सर्जेंट, मतलब कि एक ऐसे कैप्टन से मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीड करता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आकर के ये ऐसे सर्जेंट से मिलते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर देखिए जो राजा डंकन है वो ये पूछता है, ये खूनी आदमी कौन है, इसकी उपस्थिति को देखते हुए मुझे ये ऐसा कुछ यकीन हो रहा है कि ये हमको जरूर कुछ जो भी युद्ध चल रहा है उसके बारे में कोई नया समाचार दे सकता है। तभी जो मेलकॉम है वो उसका इंट्रोड्यूस करवाता है, ये जो सर्जेंट है, ये जो कैप्टन है ना सर्जेंट है, इसका इंट्रोड्यूस करवाता है मेलकॉम। ये मेलकॉम बोलता है कि ये एक तरीके का सर्जेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है और इसने ही मेरी रक्षा करी थी युद्ध में, इसने मुझे बचाया था। और उस सर्जेंट से बोलता है कि हे बहादुर भाई, तुम एक काम करो, यहाँ पर राजा को बताओ, जब तुम लास्ट टाइम युद्ध से वापस आए थे, जब तुम लास्ट टाइम बैटल फील्ड से, मतलब कि युद्ध क्षेत्र से, युद्ध स्थान से वापस आए थे, तो वहाँ पर क्या चल रहा था। तो जो सर्जेंट है वो ये बोलता है कि वो राजा को ये बताता है कि काफ़ी सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी कुछ एक विजय हुई है, ठीक है। वो बोलता है कि लगभग हमारी जो भी विजय होती है, मतलब कि बोले तो जीत लगभग तक हो ही गई थी, और इसका सारा क्रेडिट जो है मैकबेथ को जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल से, और यहाँ पर ये जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अपने तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो भी है इसकी समझ यही है दोस्तों, ये जो सर्जेंट है ये इसको आकर के यहाँ पर राजा को ये बताता है कि जो भी है हमारी लगभग विजय होने ही वाली है और इसका सारा जो भी क्रेडिट है वो मैकबेथ को जाता है, क्योंकि वही है, उसी की वजह से हम जीत रहे हैं, ठीक है। और जो राजा डंकन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता क्या है, यहाँ पर देखिए जो राजा डंकन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि वर्थी ग्रेट जेंटलमैन्स, मतलब कि काफ़ी अच्छे हमारे ये दोनों कप्तान हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये दोनों कप्तानों के बारे में बात करता है, वो और कोई कप्तान नहीं, वो हैं मैकबेथ और बैंको, ठीक है, मैकबेथ और बैंको हैं। बैंको कौन है इसके बारे में भी हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, बैंको जो है मैकबेथ का फ्रेंड है और स्कॉटिश नोबल मैन है, यही है, ठीक है, राजा डंकन का लॉयल है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो सर्जेंट है वो एक और चीज़ बताता है कि जिस तरीके से बसंत आता है, हल्की सी खुशी आई, मतलब कि हम हल्का सा जीते क्या, जिस तरीके से बसंत आता है उसी तरीके से सेम बसंत आने के साथ साथ में काफ़ी तेज़ तूफान वगैरह भी चलने लगते हैं, तो सेम उसी तरीके से ऐसा हुआ कि हम लगभग जीत ही गए थे, तभी दुश्मनों ने हमारे लिए एक नई मुसीबत को पैदा कर दिया और नई मुसीबतों को पैदा कर दिया। तभी जो राजा डंकन है वो पूछते हैं क्या ये जो नई मुसीबतों के बाद में हमारे क्या कप्तान लोग डरे नहीं, हमारे कैप्टन्स डरे नहीं, मैकबेथ और बैंको। तभी जो सर्जेंट होता है वो राजा को ये बताता है कि हाँ डरे थे, लेकिन उनको कोई भी नहीं डरा पाया, क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से जैसे बोले कि जैसे खरगोश होता है वो जैसे लॉयन को डराता है, तो लॉयन उससे डर नहीं जाता है, और जिस तरीके से बोले तो कि जैसे कि गौरैया चील को डराती है, ठीक है, ये लिखा है ना स्पैरो ईगल्स, जैसे कि उस गौरैया जो होती है चील को डराती है और जैसे खरगोश जो होता है लॉयन को डराता है, उसी तरीके से दुश्मनों ने हमें भी डराने की कोशिश करी थी, लेकिन हमारे जो ब्रेव कैप्टन्स हैं मैकबेथ और बैंको, ये दोनों डरे नहीं। और लास्ट में वो कुछ भी नहीं क्लियर बताता है और ये वो ये बोल देता है, फिलहाल कुछ भी हो, मेरे जो अभी जो मेरे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है, मेरे जो भी हो उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और फील कर रहा हूँ, तो मेरे जख्मों पर फिलहाल तो मलहम लगाना चाहिए, ठीक है। तो जो राजा डंकन है वो आदेश करता है कि आपके शब्द आपके घावों की तरह आपको सम्मान दिलाते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यही मतलब है। और यहाँ पर जो भी ब्लू लाइन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि जो सर्जेंट है वो क्या बताता है कि जैसे गौरैया होती है वो चील को डराती है, जैसे खरगोश होता है वो लॉन को डराता है, उसी तरीके से दुश्मनों ने हमको भी डराने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नई मुसीबतों के आने के बावजूद भी हमारे जो कैप्टन है देव कैप्टन है वो डरे नहीं, ठीक है। तो ये सारे इसकी समझी है। और यहाँ पर जो राजा डंकन है वो हमको ये बताता है कि जो सर्जेंट है उससे ये बोलता है कि आपके शब्द आपके घावों के तरीके आपको सम्मान दिलाते हैं, और उसे सर्जन के पास ले जाओ, ऐसा
उसको मतलब कि गो एंड गेट हिम सर्जन, मतलब कि उसको जाओ और जा करके जो भी है उसके घावों में मलहम वगैरह लगवाओ जा करके, ऐसा कुछ आदेश करता है। तभी जो सर्जेंट होता है वो क्या करता है, एग्जिट करता है, चला जाता है। और साथ ही साथ में जॉस एंटर्स होता है, जॉस जो होता है, जॉस मतलब कि आप समझ रहे हो, जो जॉस के बारे में हमने बताया था आपको, ये भी एक स्कॉटिश नोबल मैन है, ठीक है। तो ये एंटर्स करता है, एंट्री लेता है तभी, और जो मेलकम होता है उसका परिचय देता है कि ये जो जॉस है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक व्यक्ति है, वर्दी, मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है। और जो लेनॉक्स है, ठीक है, लेनॉक्स भी एक तरीके का स्कॉटिश नॉवल मैन है। सो यहाँ पर जो जॉस होता है वो किंग डंकन को ये बताता है, न्यूज़ देता है कि काफ़ी सारी विपरीत परिस्थितियों और मुसीबतों के आने के बावजूद भी हमारी पूर्ण तरीके से विजय हुई है और हम लोग जीत गए हैं, ठीक है, हमारी जीत हुई है। और जो राजा डंकन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है इस चीज़ को सुन करके। और जॉस जो होता है उसको एक और भी चीज़ बताता है कि सारी जो भी हमारी जीत हुई उसका सारा का सारा क्रेडिट जो भी है वो और किसी को नहीं जाता है, वो मैकबेथ को ही जाता है। तो जो राजा डंकन होता है इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और जो जॉस होता है उसको एक और चीज़ बताता है कि अब जब नॉर्वे साइड की हार हो गई है और हम जीत गए हैं, तो जो नॉर्वे के राजा हैं, नॉर्वे के जो किंग हैं, वो हमसे क्या संधि करना चाहते हैं, ठीक है। संधि का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि हमसे एक तरीके से दोस्ती करना चाहते हैं। तो जो राजा डंकन होता है वो नो वे इस तरीके से बोल देता है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता। और जॉस को एक ऑर्डर देता है, ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर ये होता है कि जो थेन ऑफ कॉर्ड है, थेन ऑफ कॉर्ड का मतलब आपको मैंने बताया था, थेन का मतलब क्या, एक नोबल मैन, एक अच्छा व्यक्ति होता है या फिर एक सेनापति बोल लो, ठीक है। तो कॉर्ड जो है, कॉर्ड ये जो है ये एक स्कॉटलैंड में एक जगह का नाम है। तो जो थेन ऑफ कॉर्ड होता है उसके सेनापति को हटा दिया जाए उसके पद से, क्योंकि वो एक गद्दार आदमी था, उसने नॉर्वे साइड के लोगों का साथ दिया था, और इसकी जगह पर मैकबेथ को नया थेन ऑफ कॉर्ड घोषित कर दिया जाए। इस तरीके से जॉस को ये इस तरीके के ऑर्डर देता है। और जो जॉस होता है वो उससे बोलता है कि मैं इसको बहुत ही जल्दी और पूरी ईमानदारी के साथ में इस काम को करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और वो चला जाता है। तो जो राजा डंकन होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इसके ऊपर, मैकबेथ के ऊपर, और वो बताता है, वो इस तरीके से अपने मन में बोलता है, व्हाट मतलब कि व्हाट ही है हेल्थ लॉस्ट नोबल मैन, एक जो मैकबेथ है वो काफ़ी ज़्यादा नोबल मैन है, ठीक है, और उसकी वजह से ही हमारी जीत हुई है। और सभी लोग वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। और तभी और यहीं पर इसी तरीके से हमारा सीन सेकंड खत्म होता है और सीन थर्ड स्टार्ट हो जाता है। और जो सीन थर्ड है उसकी सेटिंग कुछ इस प्रकार से रखी गई है कि नियर फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट प्लेस है दोस्तों, ये नियर द फॉरेस्ट एक स्थान है जो कि स्कॉटलैंड में एक प्लेस होगा, उसका नाम है, ठीक है, फॉरेस्ट। और हेथ का मतलब आप समझ सकते हैं जो कि एक मतलब वेस्ट लैंड होती है, कुल मिलाकर के बोले तो ये एक जंगल का प्लेस है जो कि खाली स्थानों से भरा हुआ है। और तभी बिजली चमकती है और फिर से तीनों विचेस की एंट्री होती है, ठीक है। अब ये तीनों विचेस जब आती हैं तो आपस में कुछ एक बात करती हैं जो कि आई थिंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको चलिए स्किप करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं जहाँ से मैकबेथ और बैंको की एंट्री होती है, ठीक है। तो ये तीनों विचेस जब आपस में बात कर ही रही होती है तभी तब तक मैकबेथ और बीच में मैकबेथ और बैंको भी आ जाता है। मैकबेथ कौन है आपको पता है, बैंको कौन है, मैकबेथ का फ्रेंड है, आपको ये सारी चीज़ें पता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैकबेथ है, ठीक है, वो बैंको से आपस में बात करते हुए आता है, सो फॉल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, ठीक है। इसका मतलब अभी आप लोग समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि जो मैकबेथ है वो मतलब बैंको से बोलता है, अपने फ्रेंड से बोलता है, ये दोनों लोग अपने घोड़े पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और बीच के जंगल के रास्ते से युद्ध जीत करके आ रहे हैं। और जो मैकबेथ है वो अपने फ्रेंड बैंको से बोलता है, मैंने आज तक ऐसा कभी भी जो दिन नहीं देखा जो इतना ज़्यादा काफ़ी अच्छा भी हो उसके साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा बुरा भी हो, ठीक है। फॉल का मतलब होता है बुरा एंड फेयर का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। आज तक मैंने कोई भी ऐसा दिन नहीं देखा जो एक ही साथ में एक ही समय में एक इतना ज़्यादा अच्छा हो और इतना ज़्यादा बुरा हो। तभी जो बैंको होता है वो बोलता है कि हाउ फॉर इज इट कॉल्ड टू फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब कि अभी हम फॉरेस्ट से कितना दूर हैं, हम वो मतलब एक तरीके क्वेश्चन करता है, अभी हम फॉरेस्ट से कितना दूर हैं, फॉरेस्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना जो कि जंगल के पास की जगह है जहाँ पर राजा लोग का कैंप लगा था, तो वहीं पर फॉरेस्ट एक प्लेस का नाम है, ठीक है, नियर द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये है, तो वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करता है और दोनों लोग आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर जो है बैंको को तीनों विचेस दिखाई पड़ती हैं और ये जो तीनों विचेस को देख करके काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और ये बोलता है दैट लुक नॉट लाइक द इनहैबिटेंट्स, मतलब कि ऐसा लगता है कि ये कौन सी क्या क्रिएशन है, या मतलब ये लोग कौन किस चीज़ की क्रिएशन है, ऐसा लगता नहीं कि ये इस अर्थ की हैं, इस ग्रह की ये लोग नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको यहाँ पर इस अर्थ में देख पाता हूँ, ठीक है। तो वो तीनों विचेस से के पास जाता है और बोलता है कि क्या आप लोग लाइव हो, क्या लोग आप सुन सकती हो, अलाइव का मतलब वही है कि क्या आप जीवित हो, कि आप हमको क्या सुन सकती हो, क्या आप हमें समझ सकती हो, ठीक है। तो
कोई भी आंसर नहीं मिलता है, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका आंसर दो, इसका क्या आप हमें समझ सकते हो, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ। तो वो चुड़ैलों से कुछ विचेस से इस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप करता है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता है, ठीक है। फिर वो बोलता है आगे कि आप लोग कौन हैं, जो कि आप लोगों के जो भी कपड़े हैं वो तो एक वुमेन्स की तरीके दिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो भी बढ़ी हुई दाढ़ियाँ, बियर्ड्स, मतलब वही होता है ना, दाढ़ियाँ हैं, तो इस चीज़ को मुझे विश्वास करने में असमर्थ बनाती है कि आप एक औरत हैं या कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का, मतलब कि जो पहनावा है और जो आप लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, अजीब लग रहा है। तो जो तभी मैकबेथ जो होता है वो बोलता है, स्पीक इफ़ यू कैन व्हाट आर यू, ठीक है, जो मैकबेथ होता है वो उन तीनों से बोलता है कि अगर आप बोल सकती हो तो आप प्लीज़ बोल करके बताओ कि आप हो कौन, ठीक है। तो जो तभी जो फर्स्ट विच होती है तभी बोलती है, ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू थ्री थेन ऑफ ग्लैमिस। तो जो थेन ऑफ ग्लैमिस है, मैकबेथ पहले ही से ही थेन ऑफ ग्लैमिस था, कोई बात नहीं। ऑल हेल का मतलब होता है दोस्तों आपकी जय हो, ठीक है, राजा की जय हो या फिर मैकबेथ की जय हो यहाँ पर है, ठीक है। हेल का मतलब आप वही है कि उसको ग्रीट करना एक तरीके से या फिर उसकी जयकार करना, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट विच जो होती है, जब उसको थेन ऑफ ग्लैमिस कह करके उसको ग्रीट करती है, तब तो चलो कोई बात नहीं, पहले से ही वो थेन ऑफ ग्लैमिस था, चीज़ उसको मैकबेथ को पता भी थी। लेकिन जो सेकंड विच होती है उसको वो बोलती है थेन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, उसको ग्रीट करती है किससे, थेन ऑफ कॉर्ड करके, ठीक है। तो जो इस समय जो मैकबेथ है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो बोलता है कि थेन ऑफ कॉर्ड, मेरे को थेन ऑफ कॉर्ड क्यों ये बोल रही है, ठीक है, फिर भी कुछ नहीं बोलता। तो तभी जो थर्ड विच होती है, तभी थर्ड विच बोलती है कि ऑल हेल मैकबेथ, मैकबेथ की जय हो, जो कि भविष्य में राजा बनने वाले हैं, ठीक है, तो उनकी जय हो, इस तरीके से बोलती है। तो जो मैकबेथ होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सुनकर के सरप्राइज होता है कि ये तीनों मुझे को इतना ज़्यादा ग्रीट है, मतलब इस तरीके के वर्ड से क्यों कर रही है, क्योंकि मेरे को पता है कि थेन ऑफ कॉर्ड, थेन का मतलब आप समझ रहे हो ना कि वही है नोबल मैन, और कॉर्ड जो है वो एक तरीके की जगह का नाम है, ठीक है, स्कॉटलैंड में जो है। तो जो मैकबेथ है उसको ये सुनकर कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि ये मेरे को इस तरीके से क्यों बोल रही। तो जो बैंको है तभी बोलता है, थोड़ा सा हंसता है, और यहाँ पर जो मतलब कि थोड़ा सा उसको मजाक में लेता है इस चीज़ को, और जो भी विचेज होती हैं उनसे बोलता है कि क्या आप सच में, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि इफ़ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम, अगर तुम मतलब कि इस चीज़ को देख सकती हो, भविष्य को देख सकती हो, तो मेरे भी भविष्य के बारे में बताओ, तुमने मेरे दोस्त के बारे में इतनी अच्छी तरीके से ग्रेसफुल और ग्रीट, मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से सम्मानपूर्वक उसको ग्रीट किया, तो मेरे को भी मेरे बारे में बताओ कि क्या मैं क्या बनूंगा, ठीक है, इसके बारे में मेरे को बताओ कि मैं आगे चल के भविष्य में क्या बनूंगा, क्योंकि तुमने मैकबेथ के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन बारी मेरी है, ठीक है। तभी जो फर्स्ट विच होती है उसको भी हेल हेल हेल, जो तीनों विचेज होती हैं, तीनों विचेज क्या करती हैं, हेल 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 मतलब वही है जय जय, उसको भी होती है, जो भी मतलब कि बैंको होते हैं उसको भी ग्रीट करती हैं। और जो फर्स्ट विच होती है तभी बैंको को बोलती है लेस देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, तो तुम तो क्या बनोगे, मतलब कि तुम मैकबेथ से कम हो लेकिन फिर भी उससे कहीं ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो सेकंड विच होती है नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, तभी जो सेकंड विच होती है वो बोलती है नॉट सो हैप्पी, मतलब कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नहीं हो लेकिन फिर भी मैकबेथ से ज़्यादा खुश नहीं हो लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब हो, ठीक है। तभी यहाँ पर जो थर्ड विच है वो बोलती है थ्रू शॉट गेट किंग्स, ठीक है, तुम तो राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे आने वाले जो भी संतानें हैं या फिर बोले तो तुम्हारे जो वंशज हैं वो राजा बन सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट विच होती है बैंको और मैकबेथ को ऑल हेल मतलब कि उसकी जयकार करती है और फिर वहाँ पर से चली नहीं जाती है, वहीं पर खड़ी रहती हैं तीनों लोग, ठीक है। तभी जो मैकबेथ होता है उसके मन में कई सारे डाउट्स होते हैं इस चीज़ को सुनकर के और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो वो रोकता है उनको और बोलता है कि स्टे, मतलब कि तुम रुको और मेरे बारे में और बताओ कि तुमने मेरे को इतने ज़्यादा अच्छे वर्ड से क्यों ग्रीट किया, मेरे बारे में बताओ कि तुम क्या चाहती हो, क्यों इस तरीके से बता रही हो, ठीक है। तो अपने बारे में वो और ज़्यादा जानना चाहता है, लेकिन मैं जो भी यहाँ पर थ्री विचेज होती हैं ना वो एडजस्ट हो जाती हैं, विचेज वैनिश, मतलब कि विचेज जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं, मतलब गायब हो जाती हैं बिना मैकबेथ के क्वेश्चन का आंसर दिए हुए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो भी बैंको है ना वो बोलता है मैकबेथ से कि पृथ्वी में पानी की तरह बुलबुले हैं, ठीक है, और ये जीव पृथ्वी के बुलबुले की तरीके ही होंगे जो कि जाने कहाँ गायब हो गए, मतलब बुलबुला आप समझते हैं ना, जो कि कभी भी आ जाता है, मतलब कभी भी पानी में दिखाई पड़ने लगता है, कभी भी वो गायब हो जाता है, उसको कोई ना पकड़ सकता है ना छू सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो विचेज हैं ये भी एक तरीके की क्या है, बबल्स टाइप ही हैं, ठीक है, जिसको हम नहीं पकड़ सकते ना ही छू सकते हैं, तो ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और काफ़ी मतलब एक दूसरे में जोक में लेते हैं। तभी एंट्री होती है किसकी, जॉस और अंगूस, जॉस मतलब वही है स्कॉटिश नॉवलमैन है, और अंगूस जो भी है दोस्तों एक तरीके का बोले तो इसका मतलब बॉडीगार्ड बोल सकते हैं आप जॉस का, ठीक है। तो ये जो जॉस है ये एंट्री करता है, जो जिसको राजा ने एक काम दिया होता है कि मैकबेथ को
थिन ऑफ कॉर्ड बना दो, और जो पुराना वाला थिन ऑफ कॉर्ड था उसको सेंटेंस टू डेथ, मतलब कि उसको डेथ का सेंटेंस दे दो कि अब वो मर गया है, ठीक है, हालांकि वो मरा नहीं है लेकिन फिर भी उसको ऐसा सेंटेंस दे दो, लोगों से ये बोल के बता दो कि अब वो मर गया है, उसकी जगह पर नया थिन ऑफ कॉर्ड है जो कि मैकबेथ है, ठीक है। तभी जो रॉस है वो आकर के किंग को बताता है, पहले तो उसको ग्रीट करता है, उसके बाद में बताता है कि आप भविष्य के निकटतम नए राजा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं ना, जो भी ब्लू लाइन है, द किंग हर्थ हैपियर रिसीव्ड मैकबेथ द न्यूज ऑफ द सक्सेस एंड व्हेन ही रीच्ड द पर्सनल वेंचर, जो कुछ भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, इसका मीनिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका मीनिंग दोस्तों है कि जो मतलब रॉस है ना वो बताता है मैकबेथ को कि आपकी जो भी वीरता है उससे राजा खुश हो गया है, आपकी सफलता के बारे में जो राजा ने सुन करके राजा आपसे खुश हो गया है, और कि आपने किस तरीके से विद्रोह कर रहे थे अपने देश के खिलाफ में, उसके खिलाफ में आपने किस तरीके से अपनी किस तरीके से लड़ाई लड़ी है और आप किस तरीके से जीते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करता है कि आप बता देता है कि आप नए थिन ऑफ कॉर्ड हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को सुनकर के जो राजा जो मैकबेथ होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, अंगूज होता है ये, फिर अंगे कुछ एक बात करते हैं, और जो बैंको है वो भी व्हाट कैन द डेविल स्पीक टू, जो वो बैंको भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है, मैकबेथ भी सरप्राइज हो जाता है। तो जो बैंक होता है बोलता है कि क्या ये तो अभी अभी बात जो थी, जो कि अभी डेवल्स मतलब कि जो भी अभी स्प्रिट्स आई थी ना, जो थ्री विचेज आई थी, उन्होंने अभी अभी जो बोल के गई थी वो तो यही बात है जो कि ट्रुथ हो गई है। तभी जो बैंक मैकबेथ है वो बोलता है द थिन ऑफ कॉर्ड लाइव्स, उसको थोड़ा सा शक होता है, वो ये बोलता है कि जो थिन ऑफ कॉर्ड है वो अभी लाइव्स है, जिंदा है, तो क्यों तुम मुझे मेरे को इस तरीके का टाइटल दे रहे हो, ठीक है। सो व्हाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोज़, तो मेरे को क्यों इस तरीके से थिन ऑफ कॉर्ड बोल रहे हो। तो जो अंगूज है मतलब कि जो वही है उसका रक्षक है रॉस का, तो वो ये बताता है कि हाँ वो तो जीवित है, अभी भी जीवित है, जो थिन ऑफ कॉर्ड है वो अभी भी जीवित है, लेकिन फिर भी राजा ने उसके उसने जो जिस तरीके से उसने कारनामा किया कि देशद्रोह का कारनामा किया, मतलब कि जिस तरीके से बैटल हुआ, युद्ध हुआ नॉर्वे उसके स्कॉटलैंड के बीच में, उस तरीके से उसने नॉर्वे का साथ दिया, देश के साथ गद्दारी करी, इस वजह से जो राजा है उसने उसको सेंटेंस टू डेथ कर दिया, मतलब कि उसको एक तरीके का डेथ का सेंटेंस दे दिया, और आपको नया राजा मतलब कि वहाँ का नया थिन बनाने का थिन ऑफ कॉर्ड बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है जो बैंको है वो मैकबेथ से बोलता है अगर आप उनकी बातों पर विश्वास करते हैं मैकबेथ तो आप राजा बनने की राह पर चल सकते हैं, ठीक है, आप राजा बनने की राह पर चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में और थिन ऑफ कॉर्ड भी आप बन चुके ही हैं जैसा कि आपको पता है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ में मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बट इट्स स्ट्रेंज एंड ऑफ्टन टाइम्स, ठीक है, इस तरीके से जो भी आपकी लाइन हो है इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इसका पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जो बैंको है ये मैकबेथ से बोलता है कि जो बुराई के जो भी एजेंट्स होते हैं, जो भी एजेंट होते हैं जो कि एक तरीके से बोले तो ले जाने या फिर लाने वाले, ठीक है, जो भी बुराइयों के एजेंट्स होते हैं वो हमको अक्सर किसकी तरफ लेकर के जाते हैं, हार्म की तरफ मतलब विनाश की तरफ लेकर के जाते हैं, ठीक है। ये जो भी टेक्स्ट है दोस्तों ये पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी लैंग्वेज जो है डिफ़िकल्ट है और हर कोई इसको नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो आप इसको केवल जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइंस मैंने आपको बताई है वही आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब ऐसे कभी कभार पूछ लेता है ना कि कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है, कौन सी एक्ट कौन से सीन से लिया गया है, ठीक है, या फिर इसका मतलब मीनिंग पूछ लेता है। तो जो जो बैंको है वो बोलता है कि जो भी बुराइयों के अक्सर मैसेंजर्स हुआ करते हैं या फिर जो भी एजेंट्स होते हैं बुराइयों के, वो हमें अक्सर क्या करते हैं, हार्म की तरफ, मतलब कि हमें को कहाँ पर लेकर के जाते हैं, हमारे विनाश की तरफ लेकर के ही जाते हैं। पहले तो हमको बोलते हैं कि तुझ बताते हैं, मतलब कि पहले तो हमको कुछ एक सच्चाइयाँ बताते हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब बोले तो कि कुछ एक हमको सच्चाई का हिस्सा बताते हैं, ट्रुथ बताते हैं, कि थोड़ा थोड़ा से छोटे छोटे पार्ट्स की ट्रुथ बता देते हैं जिससे कि हमारा विश्वास वो जीत सके, ठीक है। और जब हम उनको जब वो ये जानने लगते हैं कि हम उन पर अब भरोसा करने लगे हैं और अब हम उनके भरोसे के बिना कुछ भी नहीं है, तो वो उसी समय पर हमको वहाँ पर तभी धोखा दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंकों का मतलब है वो इस तरीके से है कि आप थोड़ा सा इन जो भी चुड़ैले हैं, ये जो थ्री विचेज हैं, इनकी भविष्यवाणियों से सावधान रहिए, क्योंकि ये जितनी भी अब बातें बोल करके गई हैं वो एक तरीके की बोले तो कि हमको अच्छाई दिख रही है, ठीक है, अच्छी चीज़ दिख रही है, लेकिन हो सकता हो कि इसके पीछे की वजह
कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब वही है कि अक्सर जो भी बुराई के एजेंट्स होते हैं हमें हमें हमारे विनाश की तरफ लेकर के जाते हैं। पहले तो वो सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा बताते हैं, छोटी छोटी बातों के बारे में हमको सच बता करके हमारा जो भी बिलीफ होता है, जो भी ट्रस्ट होता है, उसको हमको हमारे ट्रस्ट को जीत लेते हैं। उसके बाद में फिर वो बाद में एट द एंड टाइम हमको वो क्या दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये मीनिंग था। अभी चलते देखिए आगे, यहाँ पर जो मैकबेथ है, और ये जो मैकबेथ है ये क्या बोलता है आगे, जो मैकबेथ होता है वो एसाइड, मतलब कि खुद से अपने बारे में ऐसे मन में बोलता है। एसाइड इसका मतलब यही है कि टू ट्रुथ्स आर टोल्ड, दो ट्रुथ हैं जो कि अभी तक मुझे चुड़ैलों ने बताया, जो भी तीन ट्रुथ्स ने बताया वो अभी तक की मेरे साथ में क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं, ठीक है। अब तक चुड़ैलों ने मुझे दो बातें बताई थी जो कि सच हो गई हैं, और ऐसा लगता है ये मेरे राजा बनने में भी आगे अच्छी साबित होंगी, मतलब कि हो सकता है कि इनकी तीसरी भी, दूसरी भी भविष्यवाणी, मतलब तीसरी भविष्यवाणी भी सच हो जाए, तीसरी भविष्यवाणी भी सच हो जाए, जो भी है कि तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे, ठीक है। तो हो सकता है ये भी सच हो जाए। तो इस तरीके से ये अपने मन में ये जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क करता है कि क्या क्या पता कि मुझे कोई एक तरीके का प्रलोभन दे रही हूँ, लालच दे रही हूँ, तो अपने मन में ये काफ़ी सारी बातें करता है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं, आगे एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लाइन मिलती है, वो ये है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्रेजेंट फियर्स, और उसके मन में तभी दोस्तों है ना कि जो मैकबेथ है उसके मन में तभी इस चीज़ का विचार भी आ जाता है कि क्यों ना मैं राजा को मार डालता हूँ, उसके बाद में फिर राजा को, राजा की जगह मैं ही बन जाऊँगा, ठीक है, जो किंग है उसके बाद में अपना नेक्स्ट किंग मैं ही बन जाऊँगा, ठीक है। उसके दिमाग में इस तरीके के काफ़ी सारे ख्याल आते हैं, काफ़ी सारे उसके मन में डाउट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को अभी दूर रखता है और उसको इस चीज़ को सोच करके जो भी उसका है ना, मतलब कि डर जाता है वो, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, ठीक है, जो भी उसके मतलब कि दिमाग में जो भी चल रहा होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बोले कि इसके मन में हत्या करने का विचार जो है उसको एक तरीके से झकझोर कर रख देता है, और वो बोल देता है, वो सोचता है कि जो भी मेरा थॉट है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको मेरे इस आइडिया को मुझे अभी दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो सिक्स सो माई सिंगल स्टेज ऑफ मैन दैट फंक्शंस, इसका यहाँ पर यही मतलब है कि जो भी मैकबेथ होता है वो बुराई की तरफ, थोड़ा सा बुराइयों के बारे में सोचता है, वो मैकबेथ, वो जो राजा डंकन होता है, किंग डंकन को हत्या करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो ये मन में सोच लेता है कि अगर मैं राजा बनूंगा, अगर इनकी तीसरी भविष्यवाणी सही होगी, मतलब कि अभी तक दो सही हो गई मेरे कुछ करे बिना, तो राजा बनने के लिए भी मुझे शायद कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर मुझे बनना होगा तो मैं बन जाऊँगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से वो अपनी इस चीज़ को, मतलब कि ये जो आइडिया होता है इसको अपने मन से दूर कर देता है कि मैं किंग डंकन को मारूंगा, उसके बाद में बनूंगा, तो ये सारी चीज़ों को वो अभी दूर रखता है, एक साइड में कर देता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी बैंको है, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन मिलती है, न्यू हॉरर्स कम अपॉन हिम लाइक आवर स्ट्रेंज गारमेंट्स, यहाँ पर जो भी मैकबेथ है ना वो इस समय काफ़ी अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है, तभी जो भी बैंको होता है वो एक तरीके से बोले कि तो रॉस और एंगस जो भी दोनों अभी थे ना, जो दोनों आए थे मैसेंजर्स, इनको जो भी सूचना देने के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी आए थे, उनसे ये बोलता है, जो भी बैंको है वो ये बोलता है कि न्यू हॉरर्स कम अपॉन हिम, मतलब कि जो भी नया अभी अभी क्या हुआ है एकदम से मैकबेथ के साथ में, उसको एक नया टाइटल मिला है, थेन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को जब भी, जिस तरीके से कोई भी कपड़े होते हैं उनको, कोई भी नए कपड़े होते हैं उनको पहले कुछ दिनों तक पहना जाता है, तब जाकर के उनकी फिटिंग सही होती है, या फिर शूज वगैरह होते हैं, जूते वगैरह होते हैं, तो उनको जब कुछ दिनों तक पहन लो उसके बाद में उनकी फिटिंग सही हो जाती है, उसी तरीके से ये अभी जो टाइटल है ना ये मैकबेथ के लिए कुछ एक नया है और कुछ एक स्ट्रेंज भी है, तो अभी इसको है ना, अभी जो मैकबेथ है ये इसका हैबिचुअल नहीं है और समय के साथ साथ में ये इसका हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये ब्लू लाइन का ये मीनिंग है, ठीक है। सीन थर्ड है वो ख़त्म होता है और सीन फोर्थ स्टार्ट होता है, सभी लोगों के साथ में एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी लोग होते हैं मैकबेथ बैंको रॉस एंगस, तो ये सारे लोग क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से हमारा सीन थर्ड ख़त्म होता है और सीन फोर्थ स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और इसका मेरे को सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी, लेकिन अगर आप सही से इनको लाइन बाई हर एक सीरीज वाइज देख रहे होंगे तभी, ठीक है। मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि वीडियोज़ लंबी हो रही हैं या फिर शॉर्ट हो रही हैं, इस चीज़ से रिलेटेड मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, चाहे मेरे को इसके कितने भी पार्ट बनाने पड़े, लेकिन आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि आप लोग इसको जरूर से जरूर, जो भी मैंने फर्स्ट वाला एक्शन पार्ट बनाया था उसको जरूर देखे जाकर के, तभी आपको सारी आगे की जो भी स्टोरी है वो सब कुछ समझ में आएगी, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप ध्यान में रखिएगा, सभी चीजों को, कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं।
तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।